संयुक्त राष्ट्र में भारत को बड़ी कामयाबी मिली है। संयुक्त राष्ट्र की न्यायिक संस्था इंटरनेशनल ट्रिब्यूनल फॉर लॉ ऑफ द सी यानी ITLOS में लॉ एक्सपर्ट नीरू चड्ढा जज चुनी गई हैं। गर्व की बात ये है कि 21 सदस्यीय अदालत में जगह पाने वाली वो पहली भारतीय हैं। नीरू बुधवार को 9 साल के लिए इंटरनेशनल ट्रिब्यूनल फॉर लॉ ऑफ द सी की जज अपॉइंट हुई। उन्हें एशिया प्रशांत समूह में सर्वाधिक 120 मत मिले। इस समूह से वो इकलौती उम्मीदवार थी जिन्होंने मतदान के पहले चरण में ही चुनाव जीत लिया। संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि सैयद अकबरुद्दीन ने देशों की ओर से बड़े स्तर पर मिले सहयोग के लिए आभार जताया, जिसके कारण नीरू को ITLOS के चुनाव में जबरदस्त सफलता मिली। अकबरुद्दीन ने कहा, ये अंतर्राष्ट्रीय कानून के मामलों में भारत की वैश्विक स्थिति की प्रशंसा को दर्शाता है। ये समुद्र संबंधी कानून से जुड़े समकालीन मामलों में वार्ताकार और वकील के रूप में नीरू की विशेषज्ञ की मान्यता को दर्शाता है। गौरतलब है कि इंटरनेशनल ट्रिब्यूनल फॉर लॉ ऑफ द सी 1996 में बना था, जिसका केंद्र जर्मनी के हैम्बर्ग में है। ये 1994 में लागू हुई संयुक्त राष्ट्र समूह कानून संधि के तहत विवाद निस्तारण का एक तंत्र है। NMF न्यूज की रिपोर्ट।